हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाइवल ऑफ वेस्ट यानी कचरे का पुनरुद्धार। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल में आप सबके लिए एक पुराना 100 मील ब्लेड से एक आरी बना के दिखाएंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा ए आरी कुछ इस तरह से काम करेगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 100 मिल से एक पुराना ब्लेड का टुकड़ा ले लिया है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। और मार्क करने के बाद में मेरे जो ग्राइंडर ब्लेड बनाया था इससे मैं इस तरह से काट लेंगे। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई ब्लेड नहीं है तो आप लोग एक्सो से कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोगों के नज़दीक में कोई वेल्डिंग का दुकान है तो इस दुकान से आप लोग कटवा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए सिर्फ 10 रुपया ही काट होगा। तो कुछ इस तरह से कटिंग करने के बाद में इसको एक रेती से अच्छी तरह से घिस के समन कर लेंगे। तो अभी टीथ बनाएंगे, और टीथ बनाने के लिए इसके हिसाब से मैंने और एक मार्किंग कर दिया है, और इस तरह से एक समन करके और कुछ मार्किंग कर देंगे। और मार्क करने के बाद और कुछ इस तरह से काट लगा देंगी ताकि धार देने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई ग्राइंडर नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, और इसकी जगह में जो ट्रायंगल रेती होता है ये रेती से इस तरह से डायरेक्ट धार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, धार कुछ इस तरह से लगाएंगी, पहले वाले टीथ में दाल लगा के दूसरे वाला छोड़ देंगे, और तीसरी में दाल लगा के चौथे को छोड़ देंगे, और इस तरह से दूसरे साइड में पहले वाला को छोड़ देंगे और दूसरे में दाल लगाएंगे। इसके बाद तीसरे वाले को छोड़ देंगे और चौथे वाला टीथ में दाल लगाएंगे। तो इस तरह से मेरे पूरा आरी पे दाल लगा दिया है। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कैंची ले लिया है और इससे जिस टीथ को जिस साइड में दाल लगाया था इस साइड में थोड़ा सा फैला देंगे। आप लोग चाहते हैं यहाँ पे चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ए आरी कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। अभी हैंडल को फिट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से दो होल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने दो होल कर लिया है। अभी इस तरह से एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे और यहाँ पे आरी को ऐसे रख के हैंडल के लिए मार्क कर देंगे। और ऐसे मार्क करने के बाद मैंने इसको इस तरह से काट लेंगे, और काट के बाद में इसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से मैंने इस हैंडल को बना लिया है। अभी आरी को इसमें फिट करेंगे, और इसे फिट करने के लिए मैंने आरी पे जो दो होल किया था इस होल के बराबर हैंडल में भी दो होल कर लेंगे इस तरह से मार्किंग करने के बाद। और हैंडल के बीच में इस तरह से एक मार्किंग करके यहाँ पे मैं जो हेक्सो ब्लेड है हेक्सो ब्लेड से काट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होल करने के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ हैंडल से दो होल कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो होल कर दिया है, और इसके बीच में से हेक्सो ब्लेड से एक काट लगा दिया है। अभी आरी को हैंडल के साथ कुछ इस तरह से जोड़ देंगे।
आप फ्रेंड्स में तो स्क्रू नट ले लेंगे और स्क्रू नट लेके यहाँ पे में ये दोनों को फिट कर देंगे। और इस तरह से स्क्रू नट को फिट करने के बाद में सैंड पेपर से इसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा यार कितने अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी इसे कुछ काट के देखते हैं कितने अच्छी तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स मैंने इस लकड़ी को ऐसे काट के देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है। और अब मैं एक बांस को काट के देखेंगे जो कल बारिश में गिर गया था, तो मैंने इसको काट के देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी तरह से आसानी से इसको कट कर दिया है।